वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जानी अनजानी श्रृंखला में आपका स्वागत है। जानी अनजानी की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 50 व 60 के दशक की मशहूर व खूबसूरत अदाकारा नादिरा की। 5 दिसंबर 1932 बगदाद इराक के यहूदी परिवार में जन्मी इस अदाकारा की बात करते ही उनके प्रशंसकों के समक्ष फिल्म श्री 420 का मन्ना डे आशा भोसले व साथियों का गाया गीत याद आता है, जिसमें फिल्म की सहनायिका और अभिनेता राज कपूर ये गीत गाते हैं, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। राज कपूर के साथ ये खूबसूरत अदाकारा थी नादिरा। इजरायली मूल की नादिरा का वास्तविक नाम था फ्लोरेंस एजिकल। नादिरा अपनी खूबसूरती, आकर्षक व्यक्तित्व, ऊंचे कद, हल्की सी टेढ़ी मुस्कान, चढ़ी हुई नाक और जोशीले आवाज के लिए बेहद लोकप्रिय थी। फिल्म में नायिका, खलनायिका और चरित्र, इन सभी भूमिकाओं को पर्दे पर साकार किया नादिरा ने, लेकिन दर्शकों ने उनकी खलनायिका की भूमिका को बेहद सराहा और इन भूमिकाओं में उन्हें पसंद भी किया। 1952 में महबूब खान की फिल्म आन से राजकुमारी राजश्री की भूमिका को उन्होंने फिल्म में इस प्रकार अदा किया कि दर्शक उनकी खूबसूरती और अदा के दीवाने हो गए। इस फिल्म में उनके साथ थे अभिनेता दिलीप कुमार और अभिनेत्री निमी। दिलीप कुमार के अलावा वारिस, श्री 420, पॉकेट मार, दिल अपना, प्रीत पराई, छोटी छोटी बातें जैसी फिल्मों में अभिनेता राज कपूर, तलत महमूद, राजकुमार, बलराज सहनी, मोतीलाल, आगा और जयराज के साथ नायिका व सहनायिका बनी। 1952 से 1982 तक फिल्मों में कभी नायिका, कभी खलनायिका तो कभी चरित्र भूमिका निभाई इस अदाकारा ने। राज कपूर की फिल्म श्री 420 खलनायिका की भूमिका में वे नजर आए। इस फिल्म में नादिरा को अपनी भूमिका माया के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। नादिरा आर के फिल्म्स के बैनर के लिए काम करने की बेहद इच्छुक थी और उन्हें अभी तक कोई मौका नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका को नहीं जानने और नहीं उस ओर ज्यादा ध्यान दिया। सेट पर आने पर राज कपूर ने नादिरा से कहा, तुम्हारा शॉट रेडी है, जाओ शॉट दे दो। शॉट देने के बाद जब वे वापस आईं तो उन्होंने राज कपूर से कहा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तब राज कपूर ने कहा, तो तुमने अपना रोल स्वीकार क्यों किया? तब नादिरा ने कहा, मैं आर के बैनर के लिए काम करना चाहती हूँ, न कि राज कपूर के लिए। पहली बार आर के बैनर के लिए खलनायिका की भूमिका भले ही उनकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन उनकी भूमिका और उन पर फिल्माए गए मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के गीत देखकर दर्शक उनके प्रशंसक बन गए। फिल्म की सफलता में उनकी भूमिका और उन पर फिल्माए गए गीत का जब जिक्र हुआ, तब ये जानकर उन्हें बेहद खुशी हुई। नादिरा रेडियो सुनने, ताश खेलने और सहेलियों के साथ घंटों बातें करने की बेहद शौकीन थीं। उन्हें जब भी समय मिलता, अभिनेत्री निमी और श्यामा, जो उनकी खास सहेलियां थीं, उनसे दिल खोलकर बातें किया करती थीं। समाचार पत्र वे बहुत शौक से पढ़ती, ताकि लोगों से लंबे समय तक वे बातचीत कर सकें। नायिका व खलनायिका के साथ साथ वे चरित्र भूमिकाओं में भी सफल रहीं। 1975 में फिल्म जूली में अभिनेत्री लक्ष्मी की एक अनुशासित व ममतामयी माँ, फिल्म एक नज़र में कोटे वाली बाई और फिल्म सागर में मिस जोसेफ जैसी चरित्र भूमिकाओं को नादिरा ने पर्दे पर बखूबी निभाया, जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। फिल्म जूली के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का अवार्ड भी प्राप्त हुआ। आन, डाक बाबू, वारिस, पाकिजा, अमर अकबर एंथोनी, सपनों का सौदागर, राजा जानी, रास्ते प्यार की, चालबाज, हंसते जख्म, आखिरी मुजरा व सागर जैसी लगभग 100 फिल्मों में नादिरा ने अलग अलग भूमिकाएं निभाई। 1997 में महेश भट्ट की फिल्म तमन्ना और साल 2000 में मंसूर खान निर्देशित जोश उनकी अंतिम फिल्म थी। नादिरा एक कुशल अभिनेत्री ही नहीं, सही मायने में भी एक सच्ची, निर्भी, हमदर्द और नेक दिल अदाकारा थी। अभिनेता मोतीलाल, जिनके साथ उन्होंने फिल्म छोटी छोटी बातें में काम किया था, मोतीलाल के निर्देशन में इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया मीना कपूर की आवाज़ में कुछ और जमाना कहता है ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। फिल्म अधिक सफल तो नहीं रही, परंतु फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई। अभिनेता मोतीलाल के निधन पर जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया, तब इस नेक दिल अदाकारा ने अकेले ही उनका दाह संस्कार किया था। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के पर्दे पर गाने वाली ये निर्भीक व कुशल अदाकारा 9 फरवरी 2006 को अपने चाहने वालों से फिर कभी न मुड़कर देखने का वादा करके हमेशा के लिए दूर, बहुत दूर चली गई। जानी अनजानी की ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है,
ये हमें जरूर बताइए। और यदि आपने YouTube चैनल वाइटिंग एंटरटेनमेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद।